मॉल आप मेरे पीछे देख सकते हैं और ये मॉल है लखनऊ में इंटरनेशनल स्टेडियम के जस्ट बगल में। एंड ये मॉल इतना ह्यूज, इतना बड़ा बना हुआ है कि आपको बाहर से देखने में लगेगा जैसे आप किसी हवेली या कहाँ पहुँच गए, यू नो, ऐसा ये मॉल जैसी फीलिंग आई दे रही है, लग रहा है किसी हवेली में आ गए। तो भाई हमारे शहर लखनऊ में इतना बड़ा मॉल खुला है, इतना खूबसूरत मॉल जिसकी मैं बहुत तारीफ सुन रही थी, तो इसे एक्सप्लोर करना तो बनता है। एंड यू नो वहाँ पे 60 न्यू ब्रांड्स जो कि अभी तक लखनऊ में नहीं आए थे वो भी यहाँ पे आ गए हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस मॉल को अंदर से और देखते हैं क्या कुछ है इसमें खास। उससे पहले इसके बाहर का लुक मैं पूरा दिखा देती हूँ। सो कम ऑन। 1,000 करोड़ के बजट से बना हुआ ये मॉल 1,000,000 स्क्वायर फीट के एरिया में बना हुआ है, बहुत ही बड़ा और बेहद ही खूबसूरत है। तो ये देखिए, आप जहां तक देखोगे आपको ये दिखाई देगा, इट्स लुक लाइक कि हम किसी हवेली में, खूबसूरत सी हवेली में आ गए हैं। तो चलिए एक्सपीरियंस करते हैं शॉपिंग का। तो यहाँ मैं सबसे पहले, जैसे ही हमने एंट्री की है, एंट्री में नॉर्मल जो आजकल हर जगह रूल है, आपको हैंड सैनिटाइज करना है, आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, एंड यहाँ पे यूवी रेज के थ्रू आपका बैग है वो ऑटोमेटिक सैनिटाइज हो जाएगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे अंदर आएंगे। एंड यस, अगर आपके साथ 3-4 लोग हैं तो किसी एक के फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वो ऐप आप पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। देन जैसे ही हम एंटर हुए, बहुत अच्छी सी फीलिंग आई एंड बहुत अच्छी सी खुशबू, बिकॉज मेरे राइट हैंड साइड पे फॉरेस्ट असेंशियल था, तो उसकी फ्रेग्रेंस आ रही थी बहुत अच्छी सी। एंड ये बीच में जो ये बना हुआ है ना, ये तो आजकल सेल्फी पॉइंट बन गया है, हर कोई यहाँ पे आता है सबसे पहले फोटो खींचता है। एक बात मैं आपको और बता दूँ कि इस मॉल में कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, तो ये मैंने मेरे फ़ोन में शूट किया है। शूटिंग आप फ़ोन से कर सकते हो पर कैमरा अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, नीचे से मैं आपको इसका लुक दिखा दे रही हूँ। जैसे ही आप अंदर आओगे, ओ माय गॉड, आपको लगेगा कि आप कहाँ आए हो, इतना खूबसूरत मॉल लखनऊ में तो अब तक मैंने नहीं देखा है। ये बहुत ही बड़ा है, मतलब इतना बड़ा है कि एक एक शोरूम अगर मैं इसका एक्सप्लोर करने के लिए लग जाऊँ तो आई थिंक मुझे 3-4 दिन लग जाएंगे, तो वो तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। बट मैं कुछ यहाँ के आपको कुछ ब्रांड्स और यू नो सारे फ्लोर्स दिखा रही हूँ। तो ग्राउंड फ्लोर से हम अभी जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो आप देखिए यहाँ से भी लुक कितना प्यारा लग रहा है, इंटीरियर की तो कोई बात ही नहीं है, मतलब बेहद ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो यहाँ जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे शोरूम्स दिख जाएंगे, जैसे मोची, कैटवॉक, शूज के सारे दिखे मुझे यहाँ पे, बहुत सारे शोरूम राइट हैंड साइड पे थे। एंड अगेन ये पॉइंट बना हुआ है सेल्फी पॉइंट, यू नो, फोटो, हर कोई जो यहाँ पे आता है वो सबसे पहले यहाँ पे पिक्चर क्लिक करना चाहता है। तो फ्रॉम हेयर, फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर यू कैन सी द व्यू, सी हाउ ब्यूटीफुल, मतलब ये फोटो में तो आप उतना नहीं इमेजिन कर सकते हो वीडियो में, बट आप अपनी आंखों से जब देखोगे तो इट्स सच अ ब्यूटीफुल मॉल। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे शॉपिंग का, तो आप यहाँ ज़रूर आइएगा। और ये जो ये ब्यूटीफुल सी येलो लाइट है ना जो अभी दिख रही है, इसके नीचे आप फोटो ज़रूर खिंचवाना, क्योंकि इस लाइट के नीचे बहुत अच्छी पिक्चर आती है, तो आप ज़रूर यहाँ पे फोटो क्लिक कीजिएगा। आर्किटेक्चर की बात करें तो थोड़ा इसमें यूरोपियन यानी वेस्टर्न, एंड ऑब्वियसली ये लखनऊ में है, थोड़ा इसमें अवधी स्टाइल का भी टच आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत मॉल है, अगर आर्किटेक्चर की बात करूँ उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अगर ब्रांड्स की बात की जाए तो यहाँ पे 300+ नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जिनमें से 60 न्यू ब्रांड्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं,
जो अब तक हमारे लखनऊ में थे ही नहीं। अगर आपको इन ब्रांड्स में शॉपिंग करना हो तो आपको दूसरे शहरों, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जाना होगा। इनमें से कुछ ब्रांड्स हैं जो न्यू इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उनमें से हैं HM, स्टारबक्स, ऑल्डो, मैंगो, गास, कवर स्टोरी, चार्ल्स एंड केथ एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी कि आपको कौन से ब्रांड कौन से लेवल पे मिलेंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं। एंड सेकेंड चीज़, जो ब्रांड्स जिनमें आज तक हम लोग शॉपिंग करते आए हैं, लाइक लाइफ स्टाइल, वेट साइड, मार्क स्पेंसर, शॉपर स्टॉप, पेंटलून, मैक्स, बिग बाजार भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सारे ब्रांड्स जो आज तक लखनऊ में आए हैं वो सारे ब्रांड्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ से मैं आपको नीचे का लुक दिखाती हूँ। यहाँ पे हर फ्लोर से जो नीचे का लुक होता है ना, वो बहुत अमेजिंग है। तो यहाँ से मैं देख सकती हूँ, यहाँ पे स्टारबक्स कॉफ़ी शॉप दिख रही है मुझे, जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे आपकी कॉफ़ी पीना भी बनता है, तो आप भी आइए यहाँ पे कॉफ़ी पीजिए। देर आर फ्यू ब्रांड्स जहाँ पे सेल चल रही है, आई मीन 50% ऑफ, कहीं 20% ऑफ, बिकॉज ये मॉल अभी न्यू खुला है। तो यहाँ पे काफ़ी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, कहीं 20% ऑफ मिल जाएगा, कहीं 50% ऑफ मिल जाएगा, तो आप उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हो, आके देख सकते हो। तो यहाँ से मैं आपको नीचे का लुक दिखा देती हूँ। बहुत सारे शोरूम्स एंड यू नो जो भी ब्रांड्स राइट नाउ आपके दिमाग में आ रहे होंगे, वो सारे ब्रांड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड काफ़ी जगह बहुत सारे ऑफर भी चल रहे थे, लाइक वेबसाइट्स में कुछ ऑफर चल रहे थे। तो यहाँ के सूट्स के कलेक्शंस भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे, न्यू टाइप के जो आजकल बहुत फैशन में चल रहे हैं, बिल्कुल लाइट कलर वाले, एकदम लॉन्ग कुर्तीज हैं, ये सब थे यहाँ पे। तो इनको भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा बहुत जितना हो सका है मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, बट इतना बड़ा मॉल है, आई मीन क्या क्या आप एक्सप्लोर करोगे एंड क्या क्या घूमोगे। तो बेटर यही है कि आपको जब भी टाइम मिले तो आप यहाँ पे आओ, खुद से एक्सप्लोर करो, खुद से इस एक्सपीरियंस को लो। आई मीन इतना बड़ा मॉल खुला है, HM इज स्टिल वेटिंग, मैं सोच रही थी खुला होगा पर अभी ओपन नहीं हुआ है। एंड लाइफ स्टाइल में तो बहुत ही बढ़िया कलेक्शंस थे, एंड लाइफ स्टाइल बहुत ही रीजनेबल ऐसा होता है कि हर कोई उसे अफोर्ड कर सकता है। तो लाइफ स्टाइल में यहाँ पे हम लोग पहले गए तो वो मेंस वाला था, फिर हम नीचे आ गए तो यहाँ पे लेडीज़ कलेक्शंस थे। यहाँ पे इयररिंग्स के कलेक्शंस सुपर्ब थे, बहुत ही अच्छे थे इयररिंग्स के कलेक्शन, नेकलेस के, नेक पीस बहुत अच्छे अच्छे थे, ऑल वेस्टर्न, इंडियंस। इयरिंग्स एंड बैग्स के कलेक्शंस भी थे जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के, ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा लाइफ स्टाइल में बहुत डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के बैग्स आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं देखने के लिए। तो अभी हम आ गए हैं थर्ड लेवल पे, यानी कि थर्ड वाले फ्लोर पे, जो सबसे एंड फ्लोर है इस मॉल का, तीन फ्लोर में ही है ये मॉल। तो यहाँ पे जैसे ही हम आए तो हमने देखा यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सोफ़ा फैब, आई मीन यहाँ पे सोफ़ा, टेबल, सारे कलेक्शंस थे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे सोफ़े के कलेक्शंस थे, जो मैं आपको कुछ दिखा दे रही हूँ। एंड ऑब्वियसली ये ब्रांड है तो थोड़ा एक्सपेंसिव तो था ही, लाइक जिस सोफ़े पे मैं अभी बैठी हूँ ये अराउंड 85,000 का था।
देन थर्ड लेवल पे ही राइट साइड में रिलायंस डिजिटल था, जहां पे आप इलेक्ट्रॉनिक चीजों की शॉपिंग कर सकते हो। तो लाइक यहाँ पे ये देखिए जावेद हबीब वाला जो शोरूम है ये अभी ओपन नहीं हुआ है, ओपनिंग शॉर्टली लिखा हुआ है, तो ये बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा। तो क्या आपने कभी जावेद हबीब की हेयर कटिंग ट्राई की है? अगर ट्राई की है तो मुझे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि ये लोग कैसी हेयर कटिंग करते हैं, आपको पसंद आई है या नहीं। एंड यहाँ जगह जगह आपको सैनिटाइजर दिख जाएगा, तो जहाँ भी दिखे आप अपने हैंड सैनिटाइज करते रहिए। आईमैक्स 4D, आई मीन आप मूवी यहाँ 4D में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट अभी तो मूवी थिएटर्स बंद हैं। एंड मूवी थिएटर के ही साथ ही बच्चों के लिए काफ़ी सारे झूले वगैरह थे जो कि अभी ओपन नहीं हुए हैं। एंड ऊपर से आप मॉल का लुक देख लीजिए, कुछ इस तरीके से दिखता है थर्ड लेवल से। तो आप ये देख सकते हैं कितना बड़ा सा यहाँ पे फूड कोर्ट है। जब मॉल इतना बड़ा है तो फूड कोर्ट भी बड़ा होगा। एंड काफ़ी सारे अभी यहाँ पे ओपन नहीं थे, बच्चों के लिए आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी, एक तरफ फूड कोर्ट है एंड एक तरफ बच्चों के लिए पूरे टॉयज वगैरह, यानी बहुत सारे यहाँ पे बच्चों के लिए झूला वगैरह हैं, पर अभी ये ओपन नहीं हुआ है, थोड़ा इसमें अभी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आप शॉपिंग करने के साथ साथ यू नो बच्चों को भी घुमा सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आप लोग भी यहाँ आके देखिए एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये मॉल कैसा लगा है। एंड ये देखिए अब हम आ गए हैं पार्किंग में, पार्किंग भी बहुत ह्यूज है, यू नो वीकेंड वगैरह पे होता है मॉल्स की पार्किंग फुल हो जाती है, तो यहाँ इसकी टेंशन नहीं है, बहुत बड़ी पार्किंग है यहाँ पे, ऊपर भी है एंड यू नो नीचे भी है। तो ये नीचे के साइड में हमें पार्किंग मिली थी, तो ये पूरी ऑलमोस्ट खाली ही थी, बस कुछ कार्स यहाँ पे थी। तो चलिए ये हमारा मॉल का टूर था, तो अब हम निकल रहे हैं बाहर यहाँ से। पार्किंग का हमें यहाँ पे अराउंड 40 रुपीज लगा था। सो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आज का वीडियो ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग सिंपली शिल्पी, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।